मैं बी रामाकृष्ण शर्मा, सन ऑफ सत्यनारायण शर्मा लेट। मैं एसएम के पद में साउदर्न ईस्टर्न रेलवे में मैं काम कर रहा हूँ। मैं 21/7/2017 को राम मंदिर में बिष्टपुर जमशेदपुर में ललिता महतो, डॉटर ऑफ देवेंद्र नाथ महतो, विलेज घोड़ा नेगी, थाना चांडिल की दूसरा बेटी से मैंने शादी किया था। और 15/7/2019 को मेरे को एक पुत्र संतान हुई थी, जिसका नाम मैंने सत्यनारायण रखा था। मैं 2014 से ही अग्रवाल यूनिफॉर्म मंगलम टावर गमरिया में काम करता था। उसके बाद वहाँ पर ललिता महतो ने ज्वाइन हुई थी, वहाँ से हमारे रिलेशनशिप बनी और वह रिलेशनशिप कंटिन्यू होते हुए आए थे। लव का रिलेशन था, वो कंटिन्यू होते हुए आए थे, जिसे मैं एक लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए करके मैंने शादी किया था। अभी मैं जब हमारी लव की रिलेशन में था, 2015 या 2016 को मेरे ससुर जी देवेंद्र नाथ महतो ने मुझसे क्वेश्चन आउट किया था कि हमारी बेटी को आप शादी करेंगे तो आपके पास क्या संपत्ति है जो मैं आपको दे दूँगा, आपके पास है क्या? तो मैंने सोचा था, तब मैं 2014 में काम किया था अग्रवाल से, अग्रवाल को उसके बाद छोड़ने के बाद ट्रांसपोर्टिंग लाइन में घुसा था। ट्रांसपोर्टिंग लाइन में हमारे पास ट्रेलर और ट्रक की ट्रक थी, उन सभी को बेच करके मैंने ललिता महतो के नाम पे कदमा में एक अपार्टमेंट खरीदा, फ्लैट खरीदा हूँ, और गमरिया में एक फ्लैट खरीदा हूँ, मतलब फ्लैट मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, खाली स्थान प्लॉट खरीदा हूँ। इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मैंने मेरे ससुर जी को, जैसे रजिस्ट्री सरायकेला में हुई थी गमरिया वाली और कदमा वाला रजिस्ट्रेशन हुआ था साक्षी से, जैसे हुआ था मैंने जा कर के मेरे ससुर के हाथ में दे दिया था। उस समय जिस समय उन्होंने पेपर सब मेरे से लिए थे, उस समय उन्होंने बोला था कि आपने बहुत अच्छी काम किए हैं करके बोला था। उनको देने के बाद उनके घर में भी पता है, कि मेरी बेटी इंटरकास्ट मैरिज कर रही है करके। हमारे मैरिज होने के बाद मैंने 2 से 3 बार मैंने ससुराल गया था, वही पर्व त्यौहार में जो बुलावा करता उसमें गया था। वो भी वे बोलते थे कि रात के समय ही आ जाइएगा, सुबह में लोग सबको को पता चल जाएगा तो हमको दिक्कत होगी। ठीक है भाई, आपका जब इज्जत का बात है तो मैं क्यों आपको इज्जत निकालने का कोशिश करूं? ठीक है, मैं उसी तरीके से रात में जाता था और भोर में 4 बजे तक वापस आ जाना पड़ता था मुझे।
ये जो हमारे घर के प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन किया था 2015-16 में ही मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। उसके बाद शादी किया था, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम वगैरह लिखा था, 2019 में मेरी ट्रेनिंग हुई थी भुवनेश्वर से। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था मेरा विजयवाड़ा से। मैंने विजयवाड़ा अपना फैमिली को शिफ्ट किया था, शिफ्ट किया और वहाँ पे अपना फैमिली के साथ खुशी से हम अपना दिन गुजार रहे थे। 2019 में 2 सितंबर को मेरे फादर ने गणेश पूजा के दिन डेथ किया था। तो उस समय से मेरे परिवार के जितने सारे बर्डन्स हैं, जैसे मेरा भाई उस समय पढ़ रहा था, छोटा भाई, सारे बर्डन्स आकर के मेरे सर के ऊपर पड़ गया था। तो ये सब बर्डन्स को मैं केयर करते हुए मैं धीरे धीरे अपना जो बेटा का कर्तव्य होता है उसको निभाते हुए और एक हस्बैंड का जो कर्तव्य होता है उसको भी निभाते हुए टिल टू द डेट मैं उसी तरीक़ा से चल रहा हूँ। इन अगस्त 2021 को मैंने अंडर सेक्शन 9 में मैंने केस किया था कि मेरे बच्चा और मेरे धर्म पत्नी मुझे वापस सही सुरक्षित चाहिए करके, क्योंकि मेरी वाइफ 7/5/2021 को विजयवाड़ा से चांडिल गई थी, क्योंकि उनके फादर ने रिजर्वेशन करवाया था और बोले थे कि तुम्हारा चाचा, मतलब कज़न हो सकता, इनका तो अपना कोई भाई नहीं है, कज़न चाचा ने डेथ किया है। वो जो फंक्शन होती है 10वां 11वां 12वां दिन होता है, उसमें तुमको अटेम्प्ट करना है करके बोल करके उन्होंने रिजर्वेशन अपने से करवा करके, चांडिल स्टेशन से करवा करके उन्होंने टिकट भिजवाया था। तो मैं बोला था कि ठीक है आप जाइए, मैं तो अभी नहीं आ सकता हूँ, आप जाइए, आपका काम कर्तव्य होने के बाद 2-4 दिन में आप रिटर्न हो जाइए करके। तो ललिता जी ने कहा था ठीक है मैं रिटर्न आ जाऊँगी, रिटर्न का टिकट आप करवा करके मुझे भेज दीजिए, मैं रिटर्न आ जाऊँगी करके। तो वो टिल अगस्त, मतलब वो मई में गए थे और मैंने 3 महीना इंतज़ार किया था, आ जाएंगे कल आएंगे कल आएंगे आ जाएंगे करके इन्हें टालते जा रहा था। और कुछ दिन के लिए इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दी थी। मैं केस किया था, उसके बाद थाना प्रभारी किसी तरीक़े से रजिस्टर किया टिल टू द नो प्रोग्रेस। और मेनली बात एक था कि ये लोग का प्लानिंग था कि क्या था मुझे तो नहीं पता भाई, मैंने पूरा विश्वासी करते हुए, मैंने पूजा पाठ करने वाला, मैं ब्राह्मण का धर्म होते हुए मैं अपना वाइफ को पूरा मानते हुए, शक ना करते हुए मेरे मोबाइल उनको देता था। उन्होंने जाने से पहले पूरा सभी चीज़ें डिलीट कर दिया गया थे। उसके पहले 2021 में मुझे कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ था मेरे ससुर जी को मैंने फ़ोन किया था और मैंने बोला था कि मुझे जो आपको मैं डॉक्यूमेंट दिया हूँ, प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट दिया हूँ उनको वापस कीजिए, मैं उसमें से एक लैंड या अपार्टमेंट कुछ भी मैं सोल्ड आउट करके मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उसको मैं क्लियर आउट करूंगा और बाकी जो पैसा बचेंगे, अभी तो मैं विजयवाड़ा में पोस्टेड हूं तो मैं एक यहीं पर देख करके घर खरीदूंगा करके मैंने बोला था।
तब उन्होंने मेरे साथ फाइटिंग के लिए और फ़ोन में वार्निंग देने लग गए थे। तब ललिता महतो गन्नवरम पुलिस स्टेशन में एक लेटर लिख करके मतलब आवेदन लिख करके दिया था, जिसका आवेदन का कॉपी मैंने भेजा गया था। और हमारे सब सबूत डिलीट करने के बाद भी मैंने जितने सारे रिलेटिव्स को भेजा था, फ्रेंड सर्किल में भेजा था, उनके द्वारा से धीरे 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 करके मैंने सभी सबूतों को, सभी प्रूफों को मैंने मंगाई, और मंगा करके मेरा लॉयर के द्वारा थाना परिवारिक को मैंने सबमिट किया था। अब ये थाना परिवारिक आयो मेरे आयो ने बोलते हैं कि मेरे को हिंदी ना लिखने आता है, ना मैं हिंदी में पढ़ने पाता हूँ, मुझे बोलना आ गया वो अलग बात है, क्योंकि मेरा सारा स्टडीज़ जो था वो साउथ से ही हुआ था, तो मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने आवेदन दिया था, आवेदन देने के बाद इन्होंने प्रोग्राम बना लिया था कि कैसे भी करके हमारे बेटी को लेकर के आ जाना करके। आप अपना बेटी को तो कोई मर गया करके लेकर के गिए हो, वहाँ से आपका फर्ज बनता है कि आप फिर से आप अपना बेटी को दामाद के पास भेज देने का आपका फ़र्ज बनता है। आप वो फ़र्ज़ छोड़ दिए हो और आपका बेटी को अपना कास्ट में शादी देने के लिए आप रेडी हो गया हो। कुछ दिन पहले मेरे को एक लेटर आई थी विजयवाड़ा में, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा जो प्रॉपर्टी का पेपर है उसको उन्होंने गिरवी में रख करके 5 से 7 लाख रुपया लिए हैं, और वो 5 से 7 लाख रुपया में दो तीन लाख रुपया धरनी महतो वाइफ ऑफ राजेश महतो को दिया गया है। देने के बाद थाना परिवारिक को और मीडिया वाले को मेरे पापा पैसा दे करके मुझे ज़बरदस्ती, इन्होंने लेटर कहाँ से आई, मतलब ये लेटर आई थी ललिता महतो के ओर से, ठीक है, वो लेटर किसी फ्रेंड उसके सहेली जो हैदराबाद जा रही थी उनके द्वारा भेजा गया था। वो लेटर में ये सब बात अटेम्प्ट किया गया था, मुझे मार मार करके ज़बरदस्ती करके वहाँ पर ले जा रहा है। मैं एक ही बात आपका प्रेस मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ कि हमने प्रयास किया था रेप करने के लिए, तो FIR कॉपी आप कहाँ पर है? विदाउट FIR कॉपी आप किस तरीके के एक लड़की को, एक लड़की का स्टेटमेंट आप पेपर में डाल रहे हो? मैंने जितने सारे एविडेंस हार्ड कॉपी दिया है, आज तक थाना परिवारिक क्या इंक्वायरी किया है मुझे बताएं। मैं जब आयोग को और शंभू सर को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, ये दोनों साहब को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, उनको बहुत बिजी रहते हैं। इधर एक PM से भी, PM नरेंद्र मोदी जी से भी वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि मेरा कॉल लिफ्ट नहीं करने सकते। मैंने यहाँ पर प्रयास किया था 10 तारीख को यहाँ से जाने के लिए, 10 जनवरी को, तो मेरे को एक 4-5 लड़का ने यहाँ पर आकर के मारने का कोशिश किया था, जिसमें से मैंने सारा FIR कॉपी में मेरे वकील जी को भेजा, वकील जी ने थाना परिवारिक को दिया, मेरा आयोग को दिया। इन सभी देने के बाद भी आज तक क्या एक्शन आपने किया है? और मैं मीडिया भाई साहब लोगों से पूछना चाहते हूँ, आपके पास मेरा ऊपर दुर्घटना जो अटेम्प्ट टू रेप करने के लिए गया था, आपके पास FIR कॉपी है? यदि FIR कॉपी है तो आप क्यों नहीं छापे हो पेपर में? हाँ, 7 साल से कोई लड़का एक ही लड़की के पीछे में दौड़ रहा है, तो आपने एक FIR कॉपी नहीं करवाया? वो FIR कॉपी काहे नहीं डलवाया? और आप जब अग्रवाल में काम करते थे तब आपने बोला था कि पेपर में कि मैंने अटेम्प्ट टू रेप का कोशिश किया था करके, क्या आपके पास FIR कॉपी भी नहीं है? और विदाउट FIR कॉपी आप लोग किस तरीका के एक मूव बोली पे आप लोग पेपर में छाप रहे हो?
किस तरीके से, मतलब आप लोग पैसा खा करके ही आप लोग छाप रहे हो? एक होटल में बैठ करके, हाँ काहे घर द्वार नहीं है क्या? एक होटल में बैठ करके आप लोग इस तरीका का नौटंकी कर रहे हो? मुझे 24 घंटा में अपेयर कॉपी चाहिए। और अभी कौन सा डेट में हुआ था, कौन सा डेट में डे, विद द एविडेंस, विद द कैमरा, कोई भी दुकान में आज विदाउट कैमरा कोई भी दुकान में नहीं काम करता है या वो दुकान ओपन नहीं कर सकता है। विद कैमरा एविडेंस, विद द वीडियो एविडेंस आप मुझे सबमिट करो 24 घंटा में, या नहीं तो मैं सारे मीडिया वाला के ऊपर मैं केस करूंगा। और मीडिया जो चला रही है, जैसे दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, जो भी अन्य पेपर है, मैं सारे पेपर के ऊपर मैं केस करूंगा। क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है ना, जैसे आप मेरा न्यूज़ अभी छाप रहे, तो मैं सारा कुछ, मेरा शादी का कार्ड ले करके, मेरा एफिडेविट, मेरे बच्चा का डॉक्टर सर्टिफिकेट, मेरे साथ में जो फ़ोटो खिंचाई थी, सब में मैंने जमा किया हूँ। क्या मैं पूछता हूँ ना, जिसका अटेम्प्ट, जिस लड़की का अटेम्प्ट टू द रेप करने के लिए किया था, वो लड़की मेरे बगल में आकर के फ़ोटो खिंचवा लेगी विथ मंगलसूत्र पहने हुए? आपको सारा फ़ोटो में क्लियर दिख रहा है ना, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। आपको उतना अकल बुद्धि भी नहीं है मीडिया वाले को? आज मीडिया को एक टॉपलिस्ट सोचा जाता है, हाँ, और आप लोग उसका दुर्मान कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, हाँ। एक मीडिया वाले को, एक प्रेस वाले को कितना इज्जत दिया जाता है इंडिया में, और आप लोग किस तरीका का मीडिया वाले, किस तरीका के ये सब झूठ बात छाप रहे हो? पैसा लेना है, पैसा पैसा मेरे को 24 घंटा में 24 घंटा में मुझे किसी तरीका का भी वीडियो एविडेंस, जो मैंने अटेम्प्ट टू रेप करने के लिए गया था वो, और एफआईआर कॉपी, जो डेट में करने गया था, डेट इधर से उधर हुआ तो भी मैं एस्केप नहीं करूँगा, या नहीं तो सीधा आपने सॉरी करके, मेरे से गलती हो गई करके आप छाप दो। किसी का बेघर जाने हुए, मुंह बोले हुए आप लोग इस तरीका का पेपर में मत देना भाई साहब, ठीक है। आज मेरा साथी गलती नहीं हुआ है, आज आप क्यों नहीं पूछने पाए कि मैडम आपका 2017 में शादी हो गया था, 2019 में आप किसी और लड़का के साथ जो 80,000 रुपया लिया था, उन्होंने भी, दिनेश मातो, उन्होंने भी केस किया था, क्या एक ही जन से पैसा लिया था? वैसे ही भुवनेश्वर मातो जो रांची का ओर में रहता है, कहीं पर रहता है, अश्विनी सर, अश्विनी LIC वाला जो है, उन्होंने बीच में रख करके 70,000 से 80,000 रुपया भुवनेश्वर मातो से दिलवाया था, जो रिश्ता देखने के लिए आया था। क्यों इन लड़के लोगों से आप लोग पैसा ले सकते हो लालच दे करके, मैं आपके साथ शादी करूँगा करके? सभी का यही व्यापारी आप लोगों का घर में चल रही है क्या? मैं ललिता मातो के फादर से पूछ रहा हूँ, आप क्या व्यापारी चला रहे हो क्या? यहाँ पे सब लड़का लोग से पैसा लेते हो और फिर आप लड़का लोग से पूछते हो कि क्या प्रूफ है? सब लड़का लोग अभी कोर्ट जा करके केस करने का, हर किसी के पास उतना क्षमता और पैसा नहीं है सर। आप लोग तो किसी लड़का लोग से पैसा लेते समय एक आशा दे करके, लड़की को मतलब सिखा करके आप लोग पैसा टान लेते हो, उसके बाद सारे को बोलते हैं कि क्या प्रूफ है करके। वो लोग तो कोई भी अजीत दास 20,000 रुपया 30,000 रुपया देता है, एक विश्वासिक दोस्ती के नाम पे देता है, दोस्ती के नाम पे पैसा देता है, वो क्या प्रूफ रखेगा? मेरे को आप पूछो क्या प्रूफ रखेगा? और जिस लड़की का मैंने अटेम्प्ट टू रेप करने के लिए गया था, मेरा फ़ोन पे चेक करो, इसी साल में 2021 में 80,000 से 90,000 रुपया मैंने दिया था। किसके लिए दिया था? विथ व्हाट रिलेशन आई हैव गिवन? आंसर मी। लास्ट टाइम जब हमने सारे पुख्ता सबूत सामने रखे थे मीडिया के, जितने भी FIR की कॉपी है जिसमें ललिता महतो के साइन के साथ उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मेरी शादी हुई है रामकृष्ण शर्मा से
और हमारे जो जीजा हैं और मेरे फादर वगैरह जो हैं वो हमको धमकी दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर कुछ भी गलत होता है हमारे साथ तो उसके जिम्मेदार मेरे परिवार वाले होंगे। और 80 लाख की जो प्रॉपर्टी है गमरिया में जो प्लॉट खरीदा गया था और 40 लाख का जो कदमा का फ्लैट है उसका जो कागज है वो उनके फादर देवेंद्रनाथ महतो ने अपने पास रख लिया था। ये ललिता महतो ने गनवरम के जो FIR हमने सबमिट किया है 2021 का तीसरे महीने का उसमें ये चीज़ मेंशन है। तो इससे अकॉर्डिंग प्रूव होता है कि ललिता महतो जो है वो रामकृष्ण शर्मा की ब्याहता पत्नी है। लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके ये बयान दिया कि हमारे पे रेप अटेम्प्ट किया गया था। तो हमारा यही कहना है कि हमारे जो क्लाइंट हैं रामकृष्ण शर्मा वो प्रतिष्ठित पद पे हैं, ASM के पोस्ट पे हैं आंध्रा में। उनका ये अटेम्प्ट टू रेप का जो एलिगेशन है उसको सिर्फ मौखिक बोल देने से तो नहीं होगा ना, आप पुख्ता सबूत दीजिए। आपने FIR करवाया होगा, अटेम्प्ट टू रेप का कोई साधारण एलिगेशन नहीं है, यारो बहुत संगीन है किसी भी प्रतिष्ठित इंसान के लिए। तो आपने FIR उस समय किया होगा ना जब आप अग्रवाल यूनिफॉर्म में वर्क कर रही थी। तो अग्रवाल यूनिफॉर्म या कोई भी शॉप जो होता है उसमें कैमरा होता है, वहाँ पे आप वीडियो भी इन्वॉल्व कर दीजिए, हम सरेंडर कर देंगे कि हमने अटेम्प्ट टू रेप लिया है। और आप जो बोल रही हैं कि 7 साल से कोई रामकृष्ण शर्मा आपको जो है परेशान कर रहे हैं, तो कंप्लेन केस क्यों नहीं आपने करवाया? कोर्ट, थाना, पुलिस, प्रशासन आपके लिए भी उतना ही है जितना कि हमारे क्लाइंट के लिए। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, अगर मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी आपके साथ नहीं है, आप अगर हमारे पास आती तो हम आपका केस पहले हैंडल करते। तो ये सारा एलिगेशन का पुख्ता सबूत दीजिए हमारे को, जब तक उसका पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा। अब आप केस के बाद का FIR ला के दे देंगी तो उससे नहीं होगा ना, उस समय का FIR हमारे को चाहिए कि अगर आपने कंप्लेन करवाया होगा अटेम्प्ट टू रेप का। बस हमारे को इतना ही कहना है और बाकी हमारे को न्याय दिया जाए। हमारे पे अभी मेरे क्लाइंट के ऊपर में जो है अटेम्प्ट टू मर्डर फिर लिया गया है। आंध्रा में 3 लेडीज़ को भेजा गया था और तीनों लेडीज़ ने उनको ट्रैक पे ढकेल दिया, उनका हार्ट टूट गया है। और थाना प्रभारी सर, चांडिल थाना प्रभारी सर ये बार बार कहते हैं कि क्लाइंट को आने के लिए, तो हमारे क्लाइंट 2 बार पहले भी आ चुके हैं। उस समय चीफ मिनिस्टर झारखंड जो है वो वहाँ का दौरा पे थे, चांडिल के दौरा पे, तो इस कारण से हमें को बोला गया था कि आप लोग बाद में फिर से आइए। तो हमारे क्लाइंट आंध्रा से बार बार कैसे आ सकते हैं? और जब वो 10 तारीख को अभी आने वाले थे, जनवरी 10 तारीख को, तो वहाँ पे उनको बंदूक सटा दिया गया पीछे से, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का फिर कोशिश किया जा रहा, लगातार हमारे पे अटैक किया जा रहा है। और आप यहाँ से बोला जाता है कि जब तक आप आओगे नहीं तब तक हम आपका जो है केस आगे नहीं बढ़ाएंगे, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा। तो जब आप कह रहे हो कि आप यहाँ आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, जब अपराधी हमारे नेटिव प्लेस पर त्रिचाकुलम पहुँच जा रहे हैं, विशाखापत्तनम हमारे वर्क प्लेस पर पहुँच जा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे? चांडिल थाना प्रभारी सर से हमारे को कोई भी सुरक्षा नहीं मिल रहा है। हमारे को जब हम यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को बस बोला जा रहा है आप जब तक आओगे नहीं, मतलब हमारे क्लाइंट रामकृष्ण शर्मा जब तक यहाँ आएंगे नहीं तब तक हम केस को आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है सर से, आज हर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करवा लीजिए, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनका बयान ले लीजिए। आज कोरोना के कारण भी आना जाना एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल हो रहा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा लीजिए उनका, वो बयान अपना जारी कर देंगे। आपने मुझे मना कर दिया कि आप मैडम थाना मत आइए, मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में काम कर रही हूँ। एक वकालतनामा साइन करने के बाद एडवोकेट के पास इतना पावर होता है कि वो अपने क्लाइंट के बिहाफ में उनकी बात को रख सकता है, पर आपने साफ डिनाई कर दिया कि नहीं आपसे बात नहीं करेंगे। तो हमारी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे पे भी अटेम्प्ट टू मर्डर का भी कोशिश किया गया था 2 दिन पहले, जब वहाँ 3 लेडीज़ को भेजा गया था उसी दिन मेरे घर पे भी 2 लेडीज़ घुसी थी। हमारे को पहले फ़ोन आया था, मेरे फैमिली फ्रेंड्स को और मेरे रिलेटिव्स वगैरह को कॉल आया था कि आपकी जो ये अमृता कुमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे को न्याय चाहिए सर, अरेस्टिंग हो उनका और उसके बाद जितना आपको जांच करना है कर लीजिए, और नहीं तो मेरे क्लाइंट का जो है आना तो पॉसिबल नहीं है। उनका हाथ तोड़ दिया गया है और उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। आप उनको कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे कांटेक्ट करिए ना, और हमारा जो सारा एविडेंस हमने मीडिया में दिया हुआ है, पुख्ता सबूत हमारा मीडिया में दिया हुआ है, आप लड़की से बोलिए पुख्ता सबूत लाने के लिए कि अटेम्प्ट टू रेप उन पे लिया गया है। क्या नाम है आपका? मैं अमृता कुमारी, एडवोकेट सराय सरायकेला कोर्ट।